नमस्कार। आज मैं एक बेहद खास मेहमान के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूं और ये जो मेरा सामाजिक परिवार है उनके लोगों से आज उनकी बातचीत मैं कराने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश में जिनके कंधों पर बेसिक शिक्षा का जिम्मा है, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार हर्ष जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बहुत बड़ी खबर जो अभी मिली है और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी सबको होनी चाहिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला, और जिसमें ये कहा गया कि चूंकि लंबे समय से सरकार ने अदालत में कुछ याचिका डाल रखी थी, कुछ उनके रिजर्वेशन थे जिनकी वजह से रुका हुआ था। शिक्षा मित्रों की तरफ से कुछ उनके अपने कुछ कहें कि वो चाहते थे कि कुछ मेरिट कट ऑफ नीचे किया जाए। ये पूरा मसला क्या था और इससे बेसिक शिक्षा को, खास करके अध्यापकों की जो कमी है या कहें कि ज्यादा शिक्षक चाहिए, वो कैसे दूर होगा? नहीं हर्ष जी, सरकार के कारण ये देरी नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने के नाते और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के नाते मैं देखता हूँ आप उत्तर प्रदेश की हर घटना पर नजर रखते हैं। आपको ध्यान में होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो दो मोर्चे पर इस सरकार ने काम शुरू किया। एक तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुरी हालत थी, बिल्डिंगें जर्जर थी, बाउंड्री नहीं था, फर्श नहीं था, किचन नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, तो पंचायतों का सहयोग लेकर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकार ने बड़ी तेजी से दिशा में काम किया। और आप इस बीच गए होंगे, अगर आप तो शहर में आपका घर है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको इस समय स्कूलों की बिल्डिंगें बड़ी दुरुस्त और बड़ी रंगीन पेंटिंग वाली और वेल मेंटेन मिलेंगी ज्यादातर। दूसरे मोर्चे पर जो प्रयास किया योगी सरकार ने वो ये कि बड़ी संख्या में जो शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसके कारण जब हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो भारी संख्या में शिक्षक विहीन स्कूल थे। जहाँ स्कूल तो था, बिल्डिंग थी, बच्चे भी आते थे अपना बस्ता लेकर के पढ़ने, लेकिन वहां कोई टीचर नहीं था उनको पढ़ाने वाला। तो धीरे धीरे सरकार ने कोशिश शुरू की कि स्कूलों को शिक्षक मिले और अब तक इन 3 सालों में लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके थे। और एक बड़ा भर्ती अभियान है, 1 साल पहले ये जनवरी 2019 में ये परीक्षा हुई थी और 69,000 शिक्षक हम देने वाले थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन इसके कटाफ को लेकर के मामला फंस गया। हमने ये जारी किया था क्योंकि 4,30,000 आवेदन हमको मिले थे, 4,10,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी थी, कुल पद हमारे पास 69,000 थे। हमारे पास ये विकल्प था कि हम हाई मेरिट ले जाएं, हम दी बेस्ट को चुने, अच्छे शिक्षकों को चुने, मेरिटोरियस शिक्षकों को चुने। तो हमने कटऑफ रखा था कि सामान्य वर्ग में जिनका 150 अंकों की परीक्षा थी, तो सामान्य वर्ग में जिनका 65% यानी कि 97 नंबर होगा 97, और आरक्षित वर्ग में ओबीसी एससी में जिनका 60% यानी कि 90 अंक होंगे उस परीक्षा में वो क्वालिफाई करेंगे, उनकी भर्ती की गारंटी नहीं थी, वो क्वालिफाई करेंगे और फिर उनके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उनके गुणांकों को जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनती। ऐसे में शिक्षा मित्रों को इस पर आपत्ति हुई क्योंकि उनका जब समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया था कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने जो उनका समायोजन किया था वो विधि विरुद्ध था, उचित कानूनी प्रबंध नहीं किए गए थे, तो उनको एक सहूलियत दी कि आने वाली 3 भर्तियों में इनको 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा, लेकिन वो बेटे जब तब पाएंगे जब ये क्वालिफाई करेंगे। तो ये कोर्ट इसलिए गए कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क है ये 65% और 60% के बजाय ये 45% और 40% कर दिया जाए। क्वालिफाइंग मार्क इनका ये था कि क्वालिफाइंग मार्क कम हो जाएगा तो हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमारा वेटेज मिलेगा, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा कि इससे गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की हमारी कल्पना है जिसमें हम मेरिटोरियस टीचर्स को लेना चाहते हैं ये मंशा पूरी नहीं होगी। तो अंततः सिंगल बेंच ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन जब हम डबल बेंच में गए और लंबी बहस हुई, उसके सभी पक्षों पर विचार विमर्श हुआ, तो न्यायालय ने अंततः सरकार के का जो तरीका था, सरकार का जो सिस्टम था, उस पर मुहर लगाई। सतीश जी, ये अच्छा है कि ये लोग जाने, क्योंकि बार बार ये लगता है कि जैसे शिक्षा मित्रों के खिलाफ सरकार गई, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि जो शिक्षक गुणवत्तापूर्ण, उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी तब छात्र की गुणवत्ता बनेगी। ये 69,000 शिक्षक कब तक भर्ती इनकी पूरी हो जाएगी?
हर्ष जी, चूंकि मामला न्यायालय में था इसलिए रुका था। हम कल आंसर की जारी कर रहे हैं। हमारे जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों की आपत्तियां हम पहले ही ले चुके थे, आपत्तियों का निस्तारण कर चुके थे। कल हम फाइनल आंसर की जारी करेंगे ताकि लोग अपना स्वतः मूल्यांकन कर लें, और एक सप्ताह के भीतर, चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश भी दिया है, एक सप्ताह के भीतर ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो एक सप्ताह के भीतर हम अंतिम परिणाम जारी कर देंगे, और उसके बाद जो गुणांक जोड़े जाने हैं, जो मेरिट बननी है, काउंसलिंग होना है, वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक सप्ताह के भीतर ही ये भर्ती की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, और खास करके उन छात्रों के लिए जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन सतीश जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब अभी पूरा देश बंद है, राज्य में भी बंदी है, लोग घरों में बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में किस तरह से इस लॉकडाउन, देशबंदी, राज्यबंदी, घरबंदी, इसमें कैसे वो उसके साथ चल रहे हैं, कौन सी तकनीक अपना रहे हैं, उनकी पढ़ाई पीछे न रह जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? हर्ष जी, कोरोना क्राइसिस की सबसे बड़ी मार और सबसे पहली मार शिक्षा क्षेत्र पर ही पड़ी थी। 13 मार्च को ही उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कुछ मंत्रियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज आदि व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, मैं भी उसमें था, और हम लोगों ने उसी दिन ये निर्णय लिया था कि 13 मार्च से ही उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए थे, क्योंकि वहाँ एक बड़ी गैदरिंग होती थी, छोटे बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते थे, और तभी से ये चिंता हो रही थी कि जो 1 अप्रैल से हमारा जो नया सत्र शुरू होता है, 20 मई तक चलता है, उसका क्या करेंगे। लेकिन तब तक कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। अंततः जब माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू हुआ 22 को, और फिर 24 को जब फाइनली लॉकडाउन की घोषणा हो गई, और जब हम जान गए कि अब हमारा सत्र 1 अप्रैल से नहीं शुरू हो पाएगा, तो हमने पहला निर्णय ये लिया कि इस साल की परीक्षाओं को निरस्त किया, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को, हमारी परीक्षा नहीं हो पाई थी अभी, वो 16 मार्च से शेड्यूल थी, तो हमने सभी बच्चों को स्वतः प्रमोट कर दिया, बिना परीक्षा के उनको उत्तीर्ण कर दिया, ताकि पहला प्रयास तो ये था कि बच्चों के मन से परीक्षा का तनाव समाप्त हो कि अभी परीक्षा देनी है। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा संकट हमारे सामने था कि ये जो 1 अप्रैल से 20 मई तक के पठन पाठन का जो नुकसान हो रहा था, बच्चों को जो नए सत्र के लिए जो होमवर्क देने थे ताकि वो गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर सकें, ये कैसे मेंटेन हो सके। चर्चा होने लगी पब्लिक डोमेन में, शिक्षा जगत में, ऑनलाइन क्लासेज की। अब आप तो जानते हैं, हम सब उसी परिस्थिति से गुजरे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में था, लेकिन मुझे लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी उस समय कोई ऑनलाइन क्लासेज का कंसेप्ट नहीं था। कुछ विदेशों में और हमारे देश के कुछ एक बड़े उच्च अध्ययन संस्थानों में ये ऑनलाइन क्लासेज का कंसेप्ट चलता था। तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, जिसमें 90% से अधिक विद्यालय हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर बिजली की समस्या तो दूर कर ली सरकार ने, लेकिन इंटरनेट की समस्या और सबके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता, तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। लेकिन एक संकल्प हमने लिया, हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मेरे मन में जो, हर्ष जी, हम सभी लोग चूंकि सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे, उसका मेरे मन के ऊपर असर था। मैं सोचता था कि ये बच्चे इस समय दिन भर घर में बैठते होंगे, टेलीविजन पर कोरोना के बारे में खबर, इतने मरे, इतने संक्रमित हुए, परिवार में उसकी चर्चा, अखबार में उसकी चर्चा, तो मैं चिंतित था कि इनके मानस पटल पर क्या असर पड़ेगा, और ये तो बड़े भयाक्रांत वातावरण में बच्चे कैसे महीने, 2 महीने 3 महीने रहेंगे। इसलिए मैंने अपने विभाग को कहा कि किसी भी कीमत पर बच्चों को इस मना स्थिति से बाहर निकालना है, उनको पढ़ाई की ओर ले चलना है, ऑनलाइन क्लासेज का इंतजाम किया जाए। अब इसमें हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि विगत 5-6 महीनों से, जब से मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था, हम ऑलरेडी कुछ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, उन शिकायतों को खत्म करने के लिए, शिक्षकों की छुट्टियों के आवेदन के निस्तारण के लिए, महिलाओं के मेटर्निटी लीव के आवेदन के निस्तारण के लिए, अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए, और हम जैसे मानव संपदा पोर्टल, ये हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर हम एक एक स्कूल का डेटा ले रहे थे, कितने स्टूडेंट हैं, किस कैटेगरी के कितने हैं, टीचर का पूरा बायोडेटा हम उस पर ले रहे थे। हम दीक्षा पोर्टल भारत सरकार का जो है, उसका पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षण की अच्छी विधियों के वीडियोज हैं, उसमें उसका इस्तेमाल हमारे टीचर्स कर रहे थे। तो कई सारे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के लिए, प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए, निरीक्षण के लिए
उत्तर प्रदेश के जितने ब्लॉक थे, 800 से अधिक ब्लॉक है हमारे, सभी ब्लॉकों का हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी थे, जो ब्लॉक लेवल के होते हैं, ABSA जिनको कहते हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था पहले से ही, जिस पर वो हर स्कूल के उस ब्लॉक के सभी स्कूलों के टीचर्स को जरूरी सूचनाएं देते थे, वो स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि आजकल छुट्टियों के एप्लीकेशन भी हमने व्हाट्सएप पर मंगाना शुरू किया था, हम कागज पर नहीं लेते थे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास मौजूद थे, ये सब हमारे काम आए, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और इसके साथ हमने प्लस किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हमने दूरदर्शन में 1.5 घंटे का स्लॉट भी लिया और आकाशवाणी के उनके चैनल भी लिए, और उसका इस्तेमाल करके गूगल बोलो ऐप, एक मैथ मस्ती ऐप, एक चिंपल नाम का एक ऐप, टिकटॉक लर्न का, टॉप पेरेंट ऐप, दीक्षा पोर्टल, इन सब माध्यमों से हम लोगों ने प्रयास किया, और मैंने अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से अपने टीचर से कि हमारी ओर से कोई दबाव नहीं है, आप स्वेच्छा से प्रयास करें, जो लोग कर सकते हैं वो करें ऑनलाइन क्लासेज देने का। और हर्ष जी, मुझे स्वयं अकल्पनीय लग रहा है ये बताते हुए आपको कि हमारा कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके किसी न किसी शिक्षक ने, हो सकता है चार हो, चारों ने ना किया हो, किसी न किसी शिक्षक ने इस इन चीजों का इस्तेमाल ना किया हो, लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाए, लोगों ने अभिभावकों के नंबर लेकर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप पर होमवर्क दिया, उसको व्हाट्सएप पर मंगा कर चेक करना शुरू किया, और हमारे लगभग 35 लाख से अधिक विद्यार्थी, 1,80,00,000 विद्यार्थी हमारे हैं, और 6 लाख लगभग हमारे शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, 1,59,000 हमारे विद्यालय हैं, तो लगभग 60% 60 से अधिक प्रतिशत विद्यालयों के लगभग 35 लाख छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया से जुड़कर पढ़ाई शुरू कर दी है, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्साहजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास करके जो बेसिक शिक्षा की स्थितियां थी उसमें ये आंकड़े सुनकर अच्छा लगता है कि 60% बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे इसको जब भी सत्र शुरू हो पाएगा तो भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा का काम आप देख रहे हैं उसमें तकनीक का प्रयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल और खड़ा होता है कि आप अभी जो सरकार के तौर पर या बेसिक शिक्षा मंत्री के तौर पर, आपको क्या लग रहा है कि बच्चे स्कूलों में कब तक आ पाएंगे? क्या आप लोगों को 1 जुलाई तक वो सत्र शुरू होता दिख रहा है या उसके बाद की तैयारी है? तो उस तैयारी में ये 60% से कैसे ज्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनको कैसे पकड़ पाएंगे, उसकी तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग किस तरह से कर रहा है? हर जी, सामान्य तौर पर तो जब दूसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि 3 मई के बाद स्थितियां अगर ज्यादा सामान्य हो जाएंगी तो 1 जुलाई से अपने स्कूलों को खोलने की हमारी अपनी तैयारी है, लेकिन जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उसमें तो इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जैसा केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का निर्णय होगा उस आधार पर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलेंगे, इंटर कॉलेजेस खुल जाए, तो भी हमारे प्राइमरी स्कूलों को खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों से हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा पाएंगे। हमारे पास 2 से 3 कमरों के विद्यालय हैं, ज्यादातर एक एक कमरे में 2-2 क्लास के बच्चे बैठते हैं, तो हमारे लिए कठिनाई है। इसलिए जब तक पूरी तरह से ये सुरक्षित नहीं हो जाएगा और जब तक सरकार का निर्देश नहीं हो जाएगा कि हाँ खोल सकते हैं, तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। हम अपनी तैयारियां, बबच्चों को जो यूनिफॉर्म देते हैं हम, हर साल 2 जोड़ी किताबें निःशुल्क देते हैं, बैग देते हैं, जूते मोजे देते हैं, इन मोर्चों पर हम अपनी तैयारी हमारी जारी है, वो हम कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि हम इसको केवल क्राइसिस में इसका इस्तेमाल करें, यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते, हम 2-3 स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। एक तो यह है कि हम अपने 100% स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ऑनलाइन पैटर्न से जोड़ पाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा लगेगा कि इस समय हमारे कई स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको भेजूंगा भी वो जानकारियां, मैं आपको शेयर करूंगा, हमारे कई स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं कि ठीक है जितना हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे, कोई भी डिप्राइव नहीं है, जो नहीं कर पाएगा वो तो प्रॉपर वे में स्कूल खुलेगा तो उसका करेंगे ही। और जैसे हमने 15,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल जब शुरू किए थे तो उसमें से 4,000 स्कूलों में हम स्मार्ट क्लास दे चुके थे, अगले 4,000 में स्मार्ट क्लास का एस्टेब्लिशमेंट होने वाला था, तब तक लॉकडाउन हो गया। हम धीरे धीरे इन चीजों को भी बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट यह है कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में, जो हम नहीं पढ़ पाए यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लास में, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के हर उस स्कूल में जिसमें गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ता है, वहाँ स्मार्ट क्लास हो, ये हमारा संकल्प है, ताकि ये
पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधा के आधार पर समाज में कोई विभाजन ना हो कि जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्मार्ट क्लास है यहाँ नहीं है। ये कोशिशें कर रहे हैं लेकिन थोड़ा रिसोर्स क्रंच भी आएगा इस लड़ाई से निपटने के लिए। सरकार के संसाधनों में जो राजस्व में कमी आई है इन सब का भी थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा हम अभी अभी हम टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि कैसे वो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह लें, और ये पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने उस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है कि ये जो ऑनलाइन पैटर्न बना है, जो प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, ये रेगुलर हमारे स्कूल टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक कनेक्टिविटी का माध्यम बने और हम छुट्टियों के समय में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। क्लासरूम टीचिंग में टीचर का कोई विकल्प नहीं है, हम टीचर देते रहेंगे, टीचर आरटीई के मानक के अनुसार टीचर नियुक्त हों ये प्रयास करेंगे, लेकिन हर टीचर स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग, ई कंटेंट, ऑनलाइन क्लासेज इनका इस्तेमाल करें, ये अब हम उसको अपने रूटीन में शामिल करने का प्रयास करें। जी बहुत ये अच्छा है, और सरकारी विद्यालय के छात्र वो किसी भी तरह से जो निजी विद्यालय हैं उनसे पीछे न रह जाएं, ये बहुत अच्छी कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की। एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा ये मुश्किल में डालने वाला सवाल भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने सरकारी स्कूलों के लिए तो ढेर सारी बातें की, उनपे आपके पास सीधे अधिकार भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो निजी विद्यालय चल रहे हैं उसमें जो फीस को लेकर बहुत से पेरेंट्स, बहुत से अभिभावक लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बात पहली तो ये कि ज्यादातर स्कूल कोई भी फीस में कटौती नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा दिया कई स्कूलों ने। दूसरा ये कि एक विकल्प था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप ट्यूशन फीस लीजिए, दूसरे सारे के सारे जो फीस आप उसमें जोड़ते हुए चले जाते हैं उसको हटा दें, लेकिन स्कूलों ने ये किया नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके उन पर कोई कार्रवाई करने वाली है? इस समय जो अभिभावक फीस देने की स्थिति में नहीं है उनके लिए भी कोई रास्ता है क्या, कोई विकल्प है क्या? हर्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई इसके लिए कई आदेश जारी किए हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक बार निर्देश दिया कि कोई भी स्कूल, चूंकि इस समय बसेज नहीं चल रही हैं इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस कोई नहीं लेगा, बस का शुल्क नहीं लेगा, ये कड़ाई से ये निर्देश हो गया, आदेश जारी हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया कि इस सत्र में कोई भी स्कूल अपनी फीस बढ़ाएगा नहीं, रेगुलर जो वो वृद्धि करते हैं 5% से लेकर 10% तक, वो कोई वृद्धि नहीं करेंगे। एक इशू हमारे सामने था और मैं बड़ी बेबाकी से इस पर अपनी राय रखना चाहता हूँ। एक अभिभावक वर्ग था जो चाहता था कि फीस माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकार के सामने इसमें दुविधा ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि इस लॉकडाउन के समय में जो बड़ी संख्या में निजी स्कूलों में जो कार्यरत अध्यापक हैं वो और कर्मचारी, उनका वेतन भी दिलाना सुनिश्चित किया जाए। तो अगर एकदम से फीस माफ कर दिया जाता इन 3 महीनों का, तो शायद फिर वो उनको कहने का एक अवसर मिलता कि हम वेतन कैसे दें। लेकिन सरकार ने इसमें 2-3 बातें जरूर कही हैं कि जो 3-3 महीने के फीस लेने का पैटर्न है उसको ना फॉलो किया जाए, 1-1 महीने का फीस लिया जाए, और जो अभिभावक फीस नहीं जमा कर सकते लॉकडाउन पीरियड में, उनके ऊपर फीस जमा करने का कोई दबाव ना बनाया जाए, और जब भी स्कूल खुलते हैं तो उनके इस लॉकडाउन पीरियड के फीस को किस्तों में एडजस्ट किया जाए, ऐसा निर्देश सरकार ने दिया है। अगर कोई विद्यालय किसी अभिभावक पर फीस के लिए, उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, यानी फीस अगर वो बाद में दे रहे हैं तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं होगी। जो वास्तविक शुल्क है वो किस्तों में अगर वो देना चाहता है तो उनको सुविधा देंगे, और अगर कहीं से कोई शिकायत आती है कि कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, अभिभावकों पर कोई अनावश्यक दबाव बनाता है, तो चूंकि शासनादेश जारी हुआ है इसलिए निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, और सब बात उन्होंने बेबाकी से कही। और 2 बातें जिसको हाईलाइट करना जरूरी है, एक ये कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो आधुनिक तौर तरीके हैं उनको अपना रही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसके जरिए, ई लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेज है, उसके जरिए जुड़े, ये कोशिश है। और निजी स्कूलों के लिए हिदायत है बहुत साफ कि आप किसी भी अभिभावक पर फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। अगर कोई फीस देने की स्थिति में नहीं है तो आप उसको कैसे बाद में वो सुविधा देंगे, किस्तों में देंगे, लेकिन किसी तरह से जुर्माना या जो जिसको कहते हैं पेमेंट पर वो चार्ज लगाने लगते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस, वो नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और उम्मीद हम करते हैं आपने एक विशाल सामाजिक परिवार से जुड़ने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।